नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, वीरंगना रानी अवंतीबाई की कथा है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, वीरंगना रानी अवंतीबाई एक बहुत ही वीरता स्त्री थी जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, परंतु इन्होंने 1857 ईस्वी में हुई आजादी की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रिय दर्शकों, इनकी वीरता और इनकी बुद्धिमता हमें उस समय देखने को मिली जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे। इनका पति, जिनका नाम विक्रमादित्य सिंह था, विक्रमादित्य का राज्य को हड़पने के लिए अंग्रेजों ने विक्रमादित्य को पागल घोषित कर दिया था और इनकी मृत्यु के बाद इनके नाबालिग दो पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और कोर्ट ऑफ अवार्ड्स के नियम के तहत रामगढ़ पर अपना आधिपत्य जमाने लग गए थे। उस समय रामगढ़ का शासन रानी अवंतीबाई ने अपने हाथों में लेकर अपनी वीरता का परिचय देकर अंग्रेजों के विरुद्ध विगुल बजा दिया था। प्रिय दर्शकों, रानी अवंतीबाई ने अपने आसपास की रियासतों को संदेश भिजवाया। संदेश के साथ उन्होंने चूड़िया भी भेजी थी और कहा गया था कि या तो आप अपने हाथों में तलवार उठाओ या फिर चूड़िया पहन लो, भारत माता की रक्षा के लिए आगे आओ। सभी राजाओं ने रानी की इच्छा शक्ति को पहचानते हुए रानी की मदद को तैयार हो गए और रानी के देशभक्ति भरे हुए शब्दों से उनकी देशभक्ति जाग गई। सहदपुर के राजा ने नारायणगंज पर आक्रमण किया तो उधर बहादुर सिंह लोधी ने सहा में युद्ध की कमान संभाली। अंग्रेज सेना में शामिल हुए भारतीय सैनिक भी बलदेव तिवारी, जो पाटन के सूबेदार थे, उनसे जा मिले। रानी ने भी राजा सूरत प्रसाद को विजय राजगढ़ का राजा घोषित कर दिया था और फिर इनके साथ मिलकर नर्मदा नदी के सहारे उत्तरी क्षेत्र में युद्ध का मोर्चा संभाल लिया था। रानी ने मंडला पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी अंग्रेजों का सेनापति वाडिकटन युद्ध करने आ पहुंचे। रानी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने घोड़े पर बैठकर इसके साथ युद्ध किया और ऐसा लग रहा था मानो काली माता का रूप धारण कर शत्रु की सेना का संहार करती जा रही थी। युद्ध के मध्य में रानी ने अपनी तलवार से वाडिकटन पर वार किया था, लेकिन उसी समय रानी का घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गया था और रानी की तलवार सीधे वाडिकटन के घोड़े को जा लगी और घोड़े की गर्दन कटकर सीधा जमीन पर जा गिरी। यह सब नजारा देखकर अंग्रेजों के सेनापति डर गया और वो युद्ध छोड़कर भाग निकला और वीरांगना रानी अवंतीबाई ने युद्ध में हजारों अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अंग्रेज शासक अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से युद्ध की तैयारी में जुट गए थे और कुछ समय बाद में उन्होंने रानी के रामगढ़ किले की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी, लेकिन इस बार वह विशाल सेना लेकर आया था। रानी किसी तरह अंग्रेजों की सेना से बचकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों में चली गई थी, लेकिन वह रानी को रामगढ़ में न पाकर उनकी तलाश करता रहा। इसके बाद रानी ने देवहारगढ़ के पहाड़ों में ही छापामार युद्ध की प्रणाली अपनाते हुए वाडिकटन की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। इसी तरह रानी अंग्रेजों के साथ लोहा लेती रही, लेकिन अंत में रानी को जब लगा कि कुछ समय बाद में मैं अंग्रेजों से गिर जाऊंगी, तब उन्होंने विश्वासपात्र मित्र उमर राव को कहा कि भाई, इन दुष्ट अंग्रेजों के हाथ मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। रानी की इतनी बात सुनने के बाद उमर राव ने कहा कि बहन, पहले मुझे भी मेरा शौर्य दिखाने दीजिए।
तब आपको जैसा उचित लगे वैसा फैसला लेना। इसके बाद उमर राव ने अंग्रेजों की सेना को मूली गाजर की तरह काटना प्रारंभ कर दिया और अंत में शहीद हो गए। अब इसके बाद जब रानी को लगा कि वे अकेली हो गई है तो उन्होंने स्वयं की तलवार से स्वयं के पेट में घुसा दी और बेहोश हो गई। जब कुछ समय बाद रानी को होश आया तो वाडिंगटन ने उनको उनकी वीरता की सलामी किया। वाडिंगटन ने उनको और उनकी वीरता को सलाम किया। इसके बाद इस वीरांगना ने हरिओम का उच्चारण करने के बाद 20 मार्च 1558 को अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रिय दर्शकों, ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे भारत देश में हुए थे जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, अपने घर परिवार अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की। प्रिय दर्शकों, ऐसी थी वीरांगना रानी अवंतीबाई। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि आज भी यदि कोई हमारे देश पे आक्रमण करता है और हमें लूटने की कोशिश करता है तो प्रिय दर्शकों, हम अपनी भारत माता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई एक नारी जाति को यह भी संदेश देती है कि नारी जाति की नारी भी किसी से कम नहीं होती है। यदि नारी अपनी पे आ जाए तो सब कुछ दहस नहस कर सकती है, मिनटों में पासा पलट सकती है। नारी शक्ति को जो लोग कम आंकने की कोशिश करते हैं प्रिय दर्शकों, उन लोगों की ये भूल होती है, वो सबसे मूर्ख इंसान होते हैं जो लोग नारी शक्ति को कम आंकने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी इस पावन पवित्र भारत भूमि पर ऐसे ऐसे रणबांकुरे हुए हैं, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने इस भारत माता की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया और अंत में भारत माता की रक्षा करते हुए, भारत माता की सेवा करते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया और अपने प्राण तक त्याग दिए। प्रिय दर्शकों, आज जो हमें ये आजादी मिल रही है, ये आजादी कोई सस्ती नहीं है। ये आजादी इतनी भी सस्ती नहीं है जितना हम लोगों को आज लग रहा है। प्रिय दर्शकों, उस समय न जाने कितनी माओं ने अपने लाल खोया है, न जाने कितनी पत्नियों ने अपने पति खोए हैं, न जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों की बलि दी है। दर्शकों, आज जो आजादी आपको दिख रही है ये खून की आजादी है, हमने खून के बदले आजादी पाई है। इसलिए जितना हो सके इस देश की आजादी को संभाल के रखें। यदि पहले जैसी मूर्खता अब फिर से हमारे देश में करेंगे तो फिर से हमारा देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए मैं सभी मेरे नवजात साथियों से यह आग्रह करता हूं कि भारत की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों ऐसे ही इंटरेस्टिंग आने वाले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।